morning class with two students. This is an English grammar. After the vacation, we have just started a little bit of adjective. So after the completion of adjective, you can get the adverbs chapter number 8. So what is the meaning of adverb? Words that tells us more about the verb are called the adverbs. Like the word that tells more about the noun is called your adjective. This is adverb that tells more about the verb. Verb के बारे में जो ज्यादा कुछ हमको बोलते हैं उसको बोलते हैं हम adverbs. So how we can say this is a adverb or not? So whenever one verb is coming like hold, see, chatter, then crawl, hopping. So all these things are verbs. ये सब verb है. जैसे क्राउलिंग करना है, सिंग करना, गाना गाना है, वॉकिंग वॉक करना है, या फिर हॉप करना है, कूदना है. सो ऑल दिस थिंग्स आर योर वर्ब्स. सो इस वर्ब के बारे में जो कुछ ज्यादा बोलते हैं, कैसे बोलेंगे? जैसे कि वो चल रहे हैं लेकिन बहुत तेजी से चल रहे हैं, या फिर स्लोली चल रहे हैं. हॉपिंग कर रहे हैं, हॉपिंग बहुत धीरे कर रहे हैं या फिर स्पीड से कर रहे हैं. क्राउल कर रहे हैं, वो स्लोली कर रहे हैं या फास्टली कर रहे हैं. तो ये जो चीजें होती हैं इसको बोलते हैं हम एडवर्ब्स. सो यहाँ पर मैं कुछ चीज लिखी हूँ. मदर कैट होल्ड्स ए किटन केयरफुली. यहाँ पर होल्ड्स हो गया आपका वर्ब. इसके बारे में कौन बोल रहा है? केयरफुली. तो ये जो केयरफुली हो गया, ये हो गया तुम्हारा एडवर्ब. तो यहाँ पर देखो, बर्ड सिंग स्वीटली. तो यहाँ पर सिंग जो है वो हो गया वर्ब, मतलब काम. तो ये जो सिंगिंग जो काम है उसको रफली कोई गा रही है या फिर स्वीटली. सो स्वीटली हियर टेल्स मोर अबाउट द वर्ब सिंग. सो स्वीटली इज योर एडवर्ब. चैटर्स हैप्पीली. हैप्पीली इज योर एडवर्ब. हॉप्स कूदना है, स्विफ्टली. क्राउल्स स्लोली. तो ये सब हो गए वर्ब्स, ये हो गए तुम्हारे एडवर्ब्स. सो यहाँ पर पेज नंबर 52 में ए में द अंडरलाइंड वर्ड्स आर वर्ब्स, सर्कल द एडवर्ब्स. यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड्स है वो सब है क्या है? वर्ब्स है, और उसके एडवर्ब्स को सर्कल करना है. क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे लिए कर दिया गया है. ग्रो क्विकली. ग्रो हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा वर्ब हो गया. यहाँ पर क्विकली ये हो गया तुम्हारा एडवर्ब. तो इसको क्या करना है? सर्कल करना है और ग्रो के नीचे अंडरलाइन करना है. क्वेश्चन नंबर 2. मम्मी हैप्पीली फिक्स्ड माय ब्रोकन टॉय. मम्मी खुशी से मेरा क्या किया? फिक्स किया क्या? ब्रोकन टॉयज. तो यहाँ पर फिक्स्ड जो हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा वर्ब. तो मम्मी किस तरह से वो फिक्स किए? हैप्पीली. तो वो ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा एडवर्ब. देन क्वेश्चन नंबर 3. द रैबिट हरिडली वॉक्ड पास्ट एलिस. तो हरिडली वॉक्ड, वॉक्ड मतलब चल के जाना है. तो कैसे किया? जल्दी जल्दी चल के गया. तो वो हो गया हरिड तो ये हो गया हरिडली वॉक्ड. ये वॉक्ड हो गया तुम्हारा वर्ब एंड हरिडली है तुम्हारा एडवर्ब्स. तो नेक्स्ट तुमको मैं ये करके भेजूंगी क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को. सो दिस मच फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.